ओके, वेलकम टू मार्बल फ्यूचर फाइट इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे लल्ले भाई साहब के आज लल्ला टेस्ट करेंगे, और इस लल्ले टेस्ट में ये पास होता है कि फेल होता है वो देखेंगे और चेक करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं अपग्रेड दिखा देता हूँ, ताकि आपको कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू देना हो कमेंट सेक्शन में तो आप अच्छे से फ्रीडम देख के सोच के समझ के देख पाओ। ठीक है, ये देख लो आइसोवेट, ये देख लिया इसका ऑब्लिस्क। सिटी में मैं इसको लल्ले को देने वाला हूँ नहीं, कोई भी रहो, रेज रहो, डिस्ट्रक्शन रहो या कुछ भी रहो, एनर्जी रहो, मैं इसको देने वाला हूँ नहीं, क्योंकि ये उस लायक नहीं है। इसको उस लायक बनना पड़ेगा, तो अपने आप को साबित करना पड़ेगा, तब जाके इसको सिटी पे मैं दूंगा। लेकिन कौन सा दूंगा ये मुझे भी नहीं पता। ये नेट का कुछ करना पड़ेगा। फोर्टी टू थाउजेंड एट्टी के इसका क्रिएट हो गया है, और 190 का क्रिटिकल डैमेज, 40% का यहाँ पर क्रिटिकल रेट, और स्किल कोडन ड्यूरेशन 50% का। बाकी का आप डिटेल पढ़ लो या स्क्रीनशॉट निकाल के अलग से पढ़ सकते हो। चल मेरे भाई, भाई का है का बे। तो कहाँ जाने वाले थे हम लोग, वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट में। टीम सिलेक्शन बता दें एक बंदे ने कि वुड्डू का इस्तेमाल करो प्लस स्टॉलर्ड प्लस कोल्सन। चलो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। ब्लैक डॉर के स्टेज में जाऊंगा और 35 पे स्टार्ट करते हैं वापस से अगेन। चला जा, इज्जत का भाजी वाला मत कर। टू एट टू एट यूनिवर्सल में वुड्डू, ये रहा वुड्डू, और ब्लास्ट कैटेगरी का कोल्सन। चलो ट्राई करके देखते हैं क्या उखाड़ता है। सेकंड नंबर की टीम चूज़ करता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ मैं थानोस, ये उसके बाद में, ये उसके बाद में, और कौन चाहिए तू? चल, ये एशियंट वन इसलिए लिया मैंने ताकि मेरे को एक डेबफ का सर्कल मिल सके, और जब भी स्टार लॉर्ड डेबफ में फंसे तो एशियंट वन का जो सर्कल है यानी स्किल नंबर 3 वो स्टार लॉल को बचा ले मरने से। तो देखता हुए ट्रिक काम करती कि नहीं करती, या फिर मैं उसका स्ट्राइकर्स जो है वो चेंज करूँगा। ट्राई अगेन करेंगे। स्किल रोटेशन गलत किया मैंने, एक भाई साहब ने स्किल रोटेशन दिया था मेरे को, 3 दिया था, उसके बाद ने 5 दिया था, उसके बाद ने 4 दिया था। तो देखते हैं ये कैंसिल करने के बाद में परफेक्टली काम करता है कि नहीं करता है। अगेन अगेन अगेन, अक्सर लोग गेम स्टार्ट करते समय चैटिंग करने की कोशिश करते हैं, तो वो चैटिंग में देखता नहीं हूँ, टाइम ही नहीं होता। गेम में आता हूँ तो खेल लेता हूँ और निकल लेता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता गेम के अंदर। ठीक है, इस बार ये अच्छा खेल रहा है, दोबारा से हम लोग ट्राई करेंगे, लेकिन थोड़ा हाई स्टेजेस में। ट्राई अगेन, अब मैं इसको लेके जाऊंगा 40 पे।
चल देखते इस बार क्या कमाल करता है। यहाँ पर एशियन वन को मैं रहने देता हूँ क्योंकि वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये मेरी स्ट्राइकर्स है, मेरा स्ट्राइकर बिना सोचे समझे कॉपी मत करना। जो तुम्हारा बेस्ट है या जो तुम्हारे पास में नॉलेज है उसका इस्तेमाल करो, मैं अपना एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। रिपीट अच्छा खेल रहा है, नाइस। अब इसको और बड़े लेवल पे ही लेके जाता हूँ। यहाँ से मैं ट्राई करूँगा 50। चलो देखते हैं इसकी कैपेसिटी कितनी है, पता तो चले। और बस स्ट्राइकर भी चेंज करूँगा मैं, देखता हूँ इसकी सर्वाबिलिटी ब्लैक ड्रॉप के स्टेज में काम आती है कि नहीं आती है। बैठ रहे तो हम पहुंच गए लेवल 50 पे, और 50 पे हमारी इज्जत लगेंगी अभी दाव पे। चलो यही टीम ट्राई ट्राई करते हो, अगर नहीं हुआ तो स्ट्राइकर चेंज करूँगा। उम्मीद करता हूँ सही तरीके से प्रॉपरली कर ले, वरना इज्जत का भाजी पाला तो इसका पहले से है ही।
मर गया मर गया मर गया, और दोबारा ट्राई करेंगे। स्ट्राइकर चेंज, देखते हैं इस बार ये टीम क्या करती है। ठीक है 50 तक तो ठीक कर रहा है, लेकिन अभी मैं सिम्बोइट हटाऊंगा यहाँ से, देखते हैं जिंदा रहता है कि नहीं रहता है। अब यहाँ से जो इसको रिकवरी मिल रहा था, उस रिकवरी सिस्टम को मैं हटाऊंगा। चल हट बे, और इसके जगह पे मैं लगाऊंगा ना,
कैप्टन को लगा के देखते हैं जैसे यहाँ पे काम करता है कि नहीं करता है, देखते हैं। ओह भाई साहब ने मारा, भाई साहब ने मारा, यही बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई साहब ने 50 में मारा। चलो अब इसको 60 पे लेके जाते हैं, थोड़ी टेक्निक चेंज करते हैं, अभी वो पुराने वाली टेक्निक से काम करके देखते एक बार, 1 2 3 4 5 नहीं, चल 60 पे चल, अभी नहीं चल, चल के देखते एक बार कौन सा काम आता है तू, जरा मैं भी देखूँ। इस बार इसके सर्वाइवेबिलिटी का कोई सिस्टम मैंने डाला नहीं है। अब इस बार यहाँ पर मैं उसके स्किल्स यूज़ करने से पहले मैं उसके जो क्या था वो असेंबल की, सारे के सारे कैरेक्टर एक साथ टूट पड़ते हैं, उसको मैं असेंबल की बोलता हूँ। उस असेंबल की को मैं पहले प्रेस करूँगा, उसके बाद में स्टार लॉल की 3 5 4 करूँगा। चलो देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। यहाँ पर इसकी सर्वाइवेबिलिटी ख़त्म,
तो कहीं ना कहीं स्टार लॉर्ड में डिफेंस सिस्टम का थोड़ा प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ में इसके जैसे जो बाकी कैरेक्टर भी है लाइक शेरॉन और डॉक्टर स्ट्रेंज, उनमें भी सेम यही प्रॉब्लम आती है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको दिखाई दे पड़ेगा अगर आप प्रॉपरली, अगर ये सिस्टम जैसा अभी स्क्रीन के ऊपर हुआ, स्टार लॉर्ड एक एक करके स्टन इफेक्ट लगा उसको, उसके बाद में उसके ऊपर फ्रीज हो गया, उसके बाद में सारे स्किल यूज़ करने के बाद भी वो कोई काम नहीं कर रहा था, ठीक उसी तरीके से आपके साथ भी होगा कभी ना कभी, किसी न किसी स्टेज में होगा, उसके बाद में स्टार लॉर्ड डिफेक्ट हो गया। तो यहाँ पर इसके साथ में रिकवरी सिस्टम होना ज़रूरी है, और इसके ऊपर जो सिस्टम है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे थे कुछ कुछ जगह पे, मैंने नोट किया, वो बहुत बारीक डिटेल है तो स्क्रीन के ऊपर वो दिखाना बड़ा पॉसिबल, थोड़ा इम्पॉसिबल है। चलो एक बार 55 ट्राई करते हैं। वैसे मुझे ब्लास्ट टाइप की टाइटन बुक चाहिए और CCF भी चाहिए, तो ट्राई कर रहे देख लेते 55। चलो भाई मार के दिखा, क्लियर करके दिखा, हम भी तो देखे तुझ में कितना है दम। इस बार थोड़ा असेंबल की सोच समझ के परफेक्ट टाइमिंग पे यूज़ करूँगा। थोड़ा सर्वाइबिलिटी ऐड करते हैं इसके अंदर, डेवो वाले सिस्टम और एंटी वेनम यहाँ पे ऐड करूँगा मैं। ले बाकी देर चलो देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है।
थोड़ा स्ट्राइकर में चेंज करता हूँ, फिर से दोबारा करता हूँ, देखते हैं इस बार सक्सेसफुली वर्क करता है कि नहीं करता है। मैडम जी आप थोड़ा बाहर जाओ, आपकी जगह पे मैं किसी और को लाता हूँ, तू चल। कर सकता है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एक तो मेरा डैमेज ब्लॉक और जो मेरे स्किल्स रोटेशन है वो सही से बैठ नहीं रहे, थोड़ा थोड़ा सा और ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ तो स्टार्ट लॉट आराम से 55 और 60 तक जा सकता है। तो जिस भाई साहब ने ट्रिक दी है उसका थैंक यू, और मैं वीडियो का टाइटल रखूँगा ट्रिक सक्सेसफुल। तो क्योंकि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं और मैंने ना ही कुछ किया है, खाली जो अपग्रेड था वो मैंने वो दिया, जो दे सकता था वो इजी आसानी से इजीली दे सकता था, सस्ता माल फूक सकता था फूक दिया, तो जो भी दे सकता था मैंने अपनी तरफ से दिया। यूनिफॉर्म लेजेंडरी है और बाकी का जो सिस्टम है वो ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, क्रिटिकल डैमेज कितना है, क्रिटिकल रेट कितना है, अटैक स्पीड कितना है, बाकी के सिस्टम कितने हैं, स्किल कूलडाउन ड्यूरेशन कितना है, सब कुछ मैं दिखा चुका हूँ। और यहाँ पर ऊपर में स्ट्राइकर्स भी लगभग मैं आपको सब कुछ दिखा चुका हूँ, मैंने कौन से सेट किया, कौन से चेंजेस करके देखा, वापस से अगेन ट्राई किया, वापस से जो टीम बोली थी वो टीम मैंने सेट किया, वुडू सेट किया, कोल्सन सेट किया, स्टार्ट में स्टार लॉल लगा दिया, इसका परफॉर्मेंस चेक किया, तो ठीक ठाक जा रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि शेरोंग के ऊपर है या प्रोफेसर एक्स के ऊपर है या डॉक्टर शेंच के ऊपर है, ऐसा नहीं है। इसकी एक खासियत है वो ये कि ये पीवीपी में काम नहीं कर सकता, सिर्फ पीवीई में थोड़ा बहुत ठीक है। अब और एक आप चाहते हो कि मैं और एक टेस्ट करूँ तो मैं कर सकता हूँ, मैं जाता हूँ इसको लेके अपना जैंट बॉस रेड में, लेकिन आज का जीबीआर का स्पेशल क्या है मुझे पता नहीं, वो चेक करना पड़ेगा, मतलब पड़ेगा
चेक करना पड़ेगा। बाद में आराम से वोल्वो अल्टिमेट खेल लूँगा, अभी फ़िलहाल जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट लॉबी, यहाँ पर लिखा है कि स्पीड टाइप कैरेक्टर यूजिंग। अब स्पीड टाइप में तो मिस्टर स्टारलॉर्ड तो आती नहीं, तो आज का रहने देते हैं। ये मरता बहुत है, इसका डिफेंस सिस्टम थोड़ा और स्ट्रांग करना पड़ेगा। चल भाई, दिल थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, तेरे को देता हूँ मैं थोड़ा बहुत बड़ा।